हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका लव इंटेंसिटी यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप लोग? तो आज का ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा लीक से अलग हटके होने वाला है। अलग हटके होने वाला है, इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम थोड़ा सा एक प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। हुआ क्या कि मैं कुछ ही हफ्ते पहले फिल्म देख रहा था, फ्राइडे फ्राइडे, जिसमें गोविंदा वरुण शर्मा है। ये कॉमेडी फिल्म है, लेकिन यहाँ से मुझे कुछ फाइंड आउट पॉइंट ऐसे मिले जो कि एक तरीके से आपकी ज़िंदगी बदल के रख देंगे। ये दो पॉइंट जो टिप्स मैं आपको बताऊंगा, ये उसी फिल्म से लिए गए हैं, फ्राइडे से। इसको अगर आपने समझ लिया तो आप इस दुनिया के किसी भी इंसान को अपना दीवाना बना सकते हो, उसके दिल पे इतनी अच्छी छाप छोड़ सकते हो ना। अगर मैं सीधे कहूँ एक लफ्ज़ में, तो कोई भी इंसान जो भी आपसे मिलेगा वो आपसे इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाएगा। चाहे लड़का हो, लड़की हो, न्यू एज, ओल्ड एज, कोई भी हो, सब आपसे इम्प्रेस जरूर होंगे, ठीक है? तो ये जो दो टिप्स हैं बहुत कमाल के हैं, हम आते हैं डायरेक्ट उस पर, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे तीन फेस दिखा रहा हूँ, ठीक है? ये तीन फेस हैं, मैं आपको बोलता हूँ कि इन तीन फेस में से कोई भी एक फेस आपको अपने पास रखना है, चुनना है आपको। इन तीनों में से किसको आप अपने साथ ले जाना चाहोगे परमानेंटली, ठीक है? जो आपको अच्छा लगे उसको आप चुन लो। मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ, चुनो। किसको चुनोगे आप लोग? चलिए, अच्छा अगर मैं बात करूं अपनी, ठीक है, मैं किसको चुनता, तो मैं जाहिर सी बात है मैं इसको चुनता, ठीक है? क्यों चुनता? क्योंकि ये मेरे को अच्छा लग रहा था, ठीक है? अच्छा इसलिए लग रहा था क्योंकि ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा था। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, आप लोगों में से भी ज़्यादातर लोगों ने इसी को प्रेफर किया होगा, इसी को चुना होगा, ठीक है? समझ गए आप? तो यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि लोग आप चाहते हो ना कि लोग, सब लोग आपको प्यार करें, सब लोग आपको पसंद करें, तो ये कैसे होगा? इस फैक्ट को आज मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे पहला जो फैक्ट है, पहला जो टिप्स है वो ये है, कीप स्माइलिंग, ठीक है? उसमें क्या होता है फिल्म में कि संजय मिश्रा के पास जब वरुण शर्मा जाते हैं अपनी करियर प्रॉब्लम को लेकर, तो संजय मिश्रा उनको एडवाइस देते हैं, ठीक है? बोलते हैं कि चेहरे पे एक हल्की मीठी मुस्कान बना के रखो। मतलब वो बोलते हैं कि बेटा गले में टाई हो या ना हो, लेकिन चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान बहुत जरूरी है। एक चेहरे पे प्यारी सी हल्की मीठी मुस्कान बना के रखो, लोग अपने आप आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। इतना अट्रैक्शन होता है उसमें, इतना पावर होता है। आप करके तो देखो, और ये बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत टफ काम नहीं है। ये चेहरे पे एक हल्की मुस्कान बना के आप रख सकते हो। यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पे आपको ये तीन फेस दिखे थे, राइट? इन तीन में से हम सब ने इसको प्रेफर क्यों किया? क्योंकि इसके चेहरे पे स्माइल थी, ठीक है? इसके चेहरे पे एक हंसी थी, मुस्कान थी मीठी सी। ये नॉर्मल चेहरा था, इसको हम लोगों ने प्रेफर नहीं किया, ठीक है? ये इसको तो बिल्कुल ही प्रेफर नहीं करते क्योंकि ये उदास चेहरा है। आप सोचो, अगर आप प्यार में हो, आप उदास हो, सैड हो, लिव इन रिलेशनशिप में आने के बाद, तो क्या आपको लगता है आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड आपके साथ ज़्यादा समय तक टिक पाएगा? कैसे पॉसिबल है ये? या आपसे कोई क्यों आपको अपने साथ रखना चाहेगा, क्यों रहेगा आपके साथ? ये सिंपल सा फंडा है, समझो ना। मतलब कि रोता हुआ चेहरा किसको पसंद होगा भाई, जब हमको खुद ही नहीं पसंद है। मतलब हमको नहीं पसंद है तो दूसरे को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? नॉर्मल चेहरा क्या पसंद होगा, ये भी ऐसे ही है, ठीक है? तो चेहरे पे एक हल्की मुस्कान बना के रखना ये सबसे बड़ा काम है, और इसके बेस पे आप किसी को भी अपना दीवाना बना सकते हो। जिससे भी मिलो, हंस के, मुस्कुरा के उससे हाथ मिलाओ। आपको क्या लगता है कि आपकी गर्लफ्रेंड, अगर आप उसके सामने जा रहे हो, वो आपका हंसता चेहरा देखेगी, तो क्या उसको उसके चेहरे पे एक स्माइल नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। उसके माइंड में जब कभी भी आपकी याद की इमेज बनेगी ना, जब कभी इमेज आएगी आपकी, तो हंसता हुआ एक इमेज बनेगी, समझ गए? अगर आप उदास हो, बिल्कुल टेंशन में हो, तो टेंशन वाली इमेज बनेगी, जाहिर सी बात है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अब सेकेंड नंबर पर जो है उसको बताता हूँ मैं, ठीक है? सेकेंड नंबर पर जो है वो है मेक रिलेशनशिप। इसको समझना पड़ेगा अगर आप सक्सेस होना चाहते हो, चाहे प्यार के मामले में, चाहे किसी भी फील्ड के मामले में। ये थोड़ा सा नॉलेजेबल वीडियो हो रहा है, बट कोई बात नहीं, ठीक है? यहाँ पे क्या है कि अगर आप हर फील्ड में सक्सेस होना चाहते हो, लव ही नहीं, हर फील्ड में, तो आपको रिलेशनशिप क्रिएट करना होगा। रिलेशनशिप क्रिएट कैसे करना होगा? मतलब कि जिसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि व्यवहार बनाना, ठीक है? अपना बिहेवियर कुछ इस तरीके से करना होगा। सबसे प्यार से बात करनी है, ठीक है? प्यार से बात करनी है, और मतलब किसी से भी रिलेशनशिप बनाने का मैं आपको एक फंडा बताऊं, कोई भी इंसान हो, बस आप उसकी तारीफ कर दो, तुरंत उस रिलेशनशिप आपका बन जाएगा। अनजान इंसान ही क्यों ना हो, अब बस उसकी तारीफ कर दो, उसके शर्ट की तारीफ कर दो कि नाइस शर्ट, नाइस पैंट, नाइस टाई, नाइस बेल्ट, कुछ भी, नाइस शूज, कुछ भी, किसी भी चीज़ की बस थोड़ी सी तारीफ कर दो आप। देखो उससे कितना अच्छा आपका रिलेशनशिप बन जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे आप समझना कि जैसे मान लो कि दो दुकानें एक ही पास में हैं, ठीक है? समझ रहे हो आप? दो दुकानें एक ही पास में हैं,
लेकिन एक दुकान पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है, एक दुकान पे नहीं लग रही है, ठीक है? तो यहाँ पे आप समझना, या फिर कभी कभी आपने ऐसा देखा है क्या, जैसे मान लो कि एक एक दुकान ऐसी होती है जो बहुत ही अंदर जाके किसी गली के बीच में होती है, ठीक है? मतलब मेन सिटी में नहीं होती है, लेकिन बहुत ही अंदर जाके गली के बीच में होती है, लेकिन वहाँ भी लोग जाते हैं, उस दुकान पे भी जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि ये क्या है, सिर्फ रिलेशनशिप ही तो है ना, समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे क्या है कि आपको बस रिलेशनशिप लोगों से बनाना है, प्यार से बातें करनी है, अच्छा उनके उन्हें कॉम्प्लीमेंट देना है। तो इस तरीके से अगर आप रिलेशनशिप बना रहे हो, तो फाइनली अगर मैं कहूँ कि दो चीज़ अगर आप फॉलो कर रहे हो, चेहरे पे एक हल्की स्माइल रखते हो और साथ में रिलेशनशिप बनाते हो, तो आप इस दुनिया के किसी भी इंसान को इम्प्रेस कर दोगे, ठीक है? जिससे भी मिलोगे वो आपसे इम्प्रेस जरूर होगा। और एंड में अगर आपने अभी तक मेरे को फॉलो नहीं किया, तो लव इंटरसिटी का पेज, फेसबुक पेज, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके जाके मेरे को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है? अब बात करते हैं, अगर मेरे से डायरेक्ट कॉल करना चाहते हो मेरे को डायरेक्ट, तो CM4 कॉल मी फॉर एप्लीकेशन जो है, इसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके जाके इंस्टॉल कर लेना। फिर उसके बाद उस पर सर्च मारना लव इंटरसिटी @CM4। पूरा सर्च मारने के बाद वहाँ पे आईडी मिलेगी, आईडी के थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट मेरे से कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर वगैरह तो कर ही लीजिएगा अपने अपने हिसाब से।